तो बुक समरी अरविंद में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा लेसन है बढ़ती हुई महंगाई, उसकी असली वजह क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके वो सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं जो महंगाई की असली वजह हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। बढ़ती हुई महंगाई और घटती हुई कमाई को देखकर मुझे आधार कार्ड की नहीं बल्कि उधार कार्ड की ज़रूरत महसूस हो रही है। नमस्कार, मैं हूं अरविंद और हम चर्चा कर रहे हैं रोबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड के लेसन नंबर 9 पर। सच में रोबर्ट कियोसाकी की यह बुक तब भी उतनी ही प्रासंगिक थी, उतनी ही रिलीवेंट थी जितनी कि आज। महंगाई हमेशा बढ़ती आई है, चीज़ें महंगी होती आई हैं, दाम बढ़ते आए हैं, उसके पीछे का कारण, उसके पीछे की सोच क्या है और ये महंगाई है क्या, कैसे बढ़ती है, इसके बारे में रोबर्ट कियोसाकी के डैड बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि जितना ज़्यादा हम पैसा कमाते हैं उतना ही उसके खोने का डर हमारे अंदर बढ़ता जाता है। पैसे के साथ जो डर आता है, पैसे के साथ जो लालच आता है, वही हमें पैसे के पीछे भगाता है, हमें पैसे का गुलाम बनाता है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि इस लाइफ की ज़रूरत में हम सब बंधे हुए हैं। हम सब अपने परिवार को चलाने के लिए, अपनी नीड पूरी करने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए दिन पे दिन पैसे के पीछे भागते रहते हैं। धीरे धीरे ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा करते रहते हैं। पैसा कमाना गलत नहीं है, पर पैसे को कमाने की नीयत उसका सही होना ज़रूरी है। वो नीयत ही है जो इस समाज में महंगाई बढ़ाती है, वो नीयत ही है जो इस समाज में डिसबैलेंस पैदा करती है। इस छोटे से एग्जाम्पल से इस बात को समझा जा सकता है। एक डॉक्टर अपने परिवार को जो ज़्यादा खुशी देना चाहता है अपनी फीस बढ़ा देता है। उसकी फीस बढ़ने से सारी स्वास्थ्य सेवा महंगी हो जाती हैं। अब इससे गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, इसलिए गरीब लोगों का स्वास्थ्य अमीर लोगों से ज़्यादा बुरा होने लगता है। अब क्योंकि डॉक्टर ने अपनी फीस बढ़ा दी है, इसलिए लॉयर्स ने भी अपनी फीस बढ़ा दी। लॉयर्स ने अपनी फीस बढ़ा दी तो स्कूल टीचर भी अपनी तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। जल्दी अमीर और अमीर और गरीब होता जाता है, और इतना बड़ा अंतर दोनों के बीच आ जाता है कि सोशल डिसबैलेंस पैदा हो जाता है। रिच डैड की बात सुनकर रोबर्ट कियोसाकी ने उनसे पूछा, डैड क्या कीमतें बढ़नी नहीं चाहिए? इस पर डैड ने जवाब दिया, अच्छी तरह से चल रही सरकार और एक शिक्षित समाज में तो नहीं बढ़नी चाहिए, कीमतें दरअसल कम होनी चाहिए। जाहिर है कि ऐसे केवल सिद्धांतों में ही होता है, आइडियली ऐसा होना चाहिए पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। कीमतें अज्ञान से पैदा हुए लालच और डर के कारण होती हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, अगर स्कूल में मनी के बारे में, पैसों के बारे में सिखाया जाता तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता और बाज़ार की कीमतें भी कम होती। ये सब कुछ इंटररिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, पर हमारी सोसाइटी में सिर्फ पैसों के लिए काम करना सिखाया जाता है, पैसे की ताकत का इस्तेमाल करना नहीं सिखाया जाता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पैसे से जुड़े ऐसे किसी भी मुद्दे पर दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। इससे आगे रोबर्ट कियोसाकी अपने डैड से पूछते हैं, डैड आप बहुत देर से कह रहे हैं कि दिल से मत सोचो, दिमाग से सोचो, आखिर दिल से सोचने और दिमाग से सोचने में क्या फ़र्क है? इस पर रिच डैड उन्हें समझाते हैं कि देखो, मैं यह बात अक्सर सुनता हूं कि हर आदमी को काम करना पड़ता है, या फिर अमीर लोग दूसरों के पैसे मार लेते हैं, मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए, मैं इस काम से खुश नहीं हूँ, मैं दूसरी जगह जॉब ढूंढ लूँगा। पर हम सब ध्यान से देखें तो ये सारी बातें भावनाओं में बहकर कही गई हैं, ये सारी बातें इमोशनल होकर कही गई हैं, और अक्सर भावनाओं में बहकर हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाता है। तो बात को समझो, जब भी कोई डिसीजन लो दिमाग से लो, जल्दबाजी मत करो पर जल्दी करो। बस ऐसे ही मन लगाकर काम करते रहो, तुम्हारा जो दिमाग है वो जल्द से जल्द कुछ ना कुछ ऐसा तरीका बता ही देगा जिससे तुम ज़्यादा पैसा पाओगे, ऐसी चीज़ें देख पाओगे जो दूसरे लोग नहीं देख पाते, मौका उनकी नाक के नीचे है।
अवसर उनके सामने होता है पर वो उसे पहचान नहीं पाते, पर अगर तुम दिमाग से काम लोगे तो तुम उन्हें पहचान पाओगे, उन मौकों का फायदा उठा पाओगे और जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको इतना क्लियर हो गया है कि महंगाई की असली वजह क्या है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हम रिच डैड पुअर डैड के नेक्स्ट लेसन में बताएंगे आपको कि पैसा आए तो मुसीबत, पैसा अगर न आए तो मुसीबत, इसलिए पैसों को समझना बहुत ज़रूरी। और अगर आपने हमारे इससे पहले के सभी लेसन नहीं देखें तो प्लीज़ सभी लेसनों को स्टेप बाय स्टेप देखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में गुड लिखना न भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।